हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीनस नोटोप्टेरस के करेक्टर्स के बारे में। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है एक पर्टिकुलर फिश जिसका नाम है नोटोप्टेरस चिताला। ये फिश जीनस नोटोप्टेरस से बिलोंग करती है और इसकी स्पीशीज है चिताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोकल नेम। तो इसका लोकल नेम होता है मोया। एंड यदि इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो 20.3 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। यहाँ पे इसका फिन फार्मूला दिया गया है जिसमें कि डॉर्सल 9 होता है और इनमें से 1 स्पाइनी एंड 8 ब्रांचेड होता है। पेक्टोरल 16 है, वेंट्रल 6 है, एनल 110 to 118 है, काउडल 12 है, लेटरल लाइन 160 to 180 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर है नोटोप्टेरस चिताला का। तो इसमें देख सकते हैं कि जो एनल फिन है और काउडल फिन है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका जो एनल फिन है वो कंटिन्यू हो गया है फर्दर काउडल फिन में। और यहाँ पे डॉर्सल फिन देख सकते हैं 1+8 का अरेंजमेंट है जिसमें कि 1 स्पाइनी है एंड 8 ब्रांचेड है। ये इस तरह से बना हुआ है, 1 स्पाइनी हो गया और ये 8 ब्रांचेड इस तरह से। और ये इसके लेटरल लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं 160 to 180। ये इसके पेक्टोरल फिन है, ये डॉर्सल फिन। अब आगे जो पढ़ना है वो एक नया ऑर्डर पढ़ना है जिसका नेम है बेलोनीफॉर्मिस। तो बेलोनीफॉर्मिस के जो फिश के करेक्टर हैं वो ये है कि फिशेस ऑफ दिस ग्रुप आर फाइसोक्लिस्टिक, फिन्स आर डिवाइड ऑफ स्पाइन्स। जो इनके फिन्स होते हैं उनमें स्पाइन्स नहीं पाए जाते हैं। अब तक हम देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे फिशेस के बारे में देखें तो इनके जो फिन्स हैं तो फिन्स में जो रेज हैं कुछ स्पाइनी होते हैं, कुछ ब्रांचेड होते हैं, जिसको कि हम कभी 1+9 इस तरह से लिख रहे हैं, कभी 2+11 इस तरह से लिख रहे हैं जिसमें 2 स्पाइनी है और 11 ब्रांचेड हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो बेलोनीफॉर्मिस की फिशेस हैं उनमें स्पाइन्स अब्सेंट होता है। अपर जा इज बॉर्डर्ड बाई प्री मैगजिलरीज वनली। जो इसकी अपर जा है वो केवल प्री मैगजिलरी से ही बॉर्डर्ड होती हैं। और काउडल फिन के बारे में बात की जाए तो काउडल फिन हैज़ वनली 13 ब्रांचेड रेज स्केल्स आर साइक्लॉयड। जो इसकी काउडल फिन है उनमें केवल 13 ब्रांचेड रे ही पाई जाती हैं, इनमें कोई स्पाइनी रे नहीं पाई जाती। और अगर स्केल्स की बात करें तो स्केल्स इनकी साइक्लॉयड टाइप की होती हैं। लेटरल लाइन रनिंग वेरी लो। आगे देखते हैं की टू सब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बेलोनीफॉर्मिस। तो जो इसकी बेलोनीफॉर्मिस की जो दो सब ऑर्डर हैं उसके लिए यहाँ पे की दिया हुआ है जिससे कि हम बेलोनीफॉर्मिस के ये दोनों जो सब ऑर्डर हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो यहाँ पे एक करेक्टर दिया हुआ है बोथ जाज लेंथेंड टू फॉर्म अ लॉन्ग बिक। यदि इसके दोनों ही जा, अपर जा एंड लोअर जा की लेंथ में बढ़कर, लेंथ इसकी इंक्रीज होकर एक लॉन्ग बिक बनाएं, एक लॉन्ग बिक जैसा स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसे सब ऑर्डर स्कोम्बेरेसुकॉइडी में रखा जाएगा। और यदि वनली लोअर जा लेंथेंड टू फॉर्म अ लॉन्ग बिक, यदि केवल लोअर जा ही बिक बनाने में पार्टिसिपेट करे, वनली लोअर जा लेंथेंड टू फॉर्म अ लॉन्ग बिक यदि ऐसा हो तो इसे इक्सोसिटोइडी सब ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाएगा। आगे देखते हैं सब ऑर्डर स्कोम्बेरेसुकॉइडी के बारे में। तो इसके कैरेक्टर्स देखते हैं इस सब ऑर्डर के। तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है नेजल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। इसमें नेजल्स दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। लार्ज नेजल्स ऑफ बोथ साइड्स मीट अलोंग अ स्ट्रक्चर। प्री इथमॉइड्स आर प्रेजेंट एंड द सेक्युलस इज नॉर्मल। फिर यहाँ पे इस सब ऑर्डर में जो जीनस पढ़ना है वो है जिनेंटोडॉन। जीनस जिनेंटोडॉन। तो जिनेंटोडॉन के कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं बॉडी इलोंगेटेड, इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। आइज आर लेटरल इन लोकेशन। जो इनकी आइज होती हैं उनकी लोकेशन लेटरल साइड में, आइज जो होती हैं वो लेटरली प्लेस्ड होती हैं। पैलेट इज टूथलेस इन इंडियन फॉर्म्स। जो इंडियन फिशेस हैं इस सब ऑर्डर की इंडियन फिशेस हैं
उनकी पैलेट टूथलेस होती है, इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। जो इनकी बिक होती हैं इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। काउडल फिन इज यूजुअली फॉर्क्ड, जो काउडल फिन होता है वो फॉर्क्ड होता है। स्केल्स आर स्मॉल, और इसमें जो स्केल्स पाई जाती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। और बात करें यदि डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस सब ऑर्डर की जो फिशेज हैं वो सी और रिवर दोनों में पाई जाती हैं। अब इसमें जो हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज पढ़ना है वो है जिनेंटोडॉन कैंसिला। तो चलिए देखते हैं जिनेंटोडॉन कैंसिला के बारे में। तो सबसे पहले इसका लोकल नेम देखें, तो इसका लोकल नेम है कौवा। कौवा इसका लोकल नेम है। डोर्सल 16-17 है, पेक्टोरल 11 है, वेंट्रल 6 है, एनल 17 है और काउडल 15 है। यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं उसे देखते हैं। लेंथ ऑफ हेड 2.73, इसकी जो हेड की लेंथ होती है वो 2.73 सेंटीमीटर होती है, और काउडल की लेंथ जो होती है वो 10.25 सेंटीमीटर होती है। और यदि बॉडी की हाइट का बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर होती है टोटल लेंथ में। बॉडी के टोटल लेंथ में इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करते हैं, तो लोअर जा इज स्लाइटली लॉन्ग, जिसकी लोअर जा होती है वो थोड़ी लंबी होती है। सब ऑर्बिटल मार्जिन इज स्मूथ, जो इसकी सब ऑर्बिटल मार्जिन होती है वो स्मूथ होती है। एंड काउडल फिन स्लाइटली इमर्जिनेट, जो काउडल फिन होता है वो स्लाइटली इमर्जिनेट मतलब स्लाइटली लॉन्ग होता है। स्केल्स स्मॉल एंड इरेगुलरली अरेंज्ड, जो इसके स्केल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। बॉडी इनका सब सिलेंड्रिकल होता है और टेल कंप्रेस्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के फ्रेश वाटर में ये पाई जाती हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, जिनेंटोडॉन कैंसिला का फिगर है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो जा है, अपर जा एंड लोअर जा, ये इलोंगेटेड होकर एक बिग की जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ओके, और ये डॉर्सल फिन है, ये वेंट्रल है, ये एनल और ये काउडल फिन है। काउडल फिन इमर्जिनेट है, यहाँ पे पेक्टोरल फिन आप देख सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े सिलेंड्रिकल टाइप में है, सिलेंड्रिकल टाइप की स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। और ये हेड वाला पोर्शन है इसका, आइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिक है, अपर जा एंड लोअर जा। तो ये रहा जिनेंटोडॉन कैंसिला का फिगर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका नेक्स्ट सब ऑर्डर है उसके बारे में, और उसके एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।